हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग जर्नी में। दोस्तों, आज के समय में खेती करना बहुत ही कठिन कार्य हो चुका है, क्योंकि ऐसे ऐसे कीट आ रहे और फसलों को नष्ट कर रहे और उनका स्प्रे पे भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा ही हमारे पास कमेंट आ रहे थे बहुत लोगों के कि सर, थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी का 100% इलाज क्या है और वो कैसे होता है, और वीडियो में पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी क्या नुकसान करती है फसलों पर एवं उनका 100% इलाज क्या है और क्या क्या हमें इसके लिए सावधानियां करनी है तभी ये कंट्रोल होगी, प्रिवेंटिव क्या है और क्यूरेटिव क्या है, पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं थ्रिप्स की, कि थ्रिप्स क्या नुकसान करता है फलों पे या फसलों पे। तो सबसे पहले थ्रिप्स जो कि रस सूचक कीट होता है, और वो सबसे पहले जो फल या फूल, नया फूल निकल रहा है या नई ग्रोथ हो रही है, नए कोपल निकल रहे हैं, उन पे अटैक करेगा, क्योंकि वो एकदम नाजुक होते हैं और उन पे अटैक करने के बाद उनका रस चूसेगा पूरे तरीके से। तब उससे क्या होगा कि जो फसलों में डेफिनेंसी आएगी हर चीज की और पत्ते ऊपर की साइड मुड़ने लगेंगे, इसलिए इसका इलाज भी अपन बताएंगे वीडियो में, एंड तक बने रहे। और अब बात करते दूसरे नंबर की, वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी का भी यही कार्य रहता है, ये भी सेम इसी की तरह रस सूचते हैं और फलों को नष्ट करते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जैसे नए फूल होते हैं, जैसे कोई भी फसल पे नए फूल आए तो उन पे ये सीधे ही अटैक करेंगे और उनके अटैक करने की भी क्षमता भी बहुत ज़्यादा भाई कई गुना होती है। और साथ में ये थ्रिप्स हैं, ये फूलों के अंदर घुस जाते हैं और फूलों का रस सूचने लगते, चाहे वो मिर्च की फसल हो, अनार की फसल हो, चाहे कोई भी फसल हो, उससे वो फूल एकदम डैमेज हो जाएगा और नीचे गिरने लगेगा। तो इसी कारण किसानों को ये समस्या होती है कि फूल नया बन गया, उसमें थ्रिप्स अटैक कर गई और फिर क्या होता है, उसका लास्ट में वो फूल गिर जाता है या गिर जाता नहीं से, तो उससे बहुत गुना नुकसान होता है। और थ्रिप्स में भी बहुत सारी थ्रिप्स आती है, जैसे काली थ्रिप्स आती है और सफ़ेद थ्रिप्स, पीली थ्रिप्स। उसमें काली थ्रिप्स बहुत थ्रिप्स तो मर जाती है, लेकिन काली थ्रिप्स बहुत मुश्किल से मरती है। उस पर बहुत लोगों ने बहुत हार्ड स्प्रे का भी ट्राई किया, लेकिन कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी के बारे में अपन तीन ऐसे इंसेक्टिसाइड में बताऊंगा जिसका 100% रिजल्ट मिलता है और 100% थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी कंट्रोल होगी आपकी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन से इंसेक्टिसाइड है वो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो की लिस्ट के पहले नंबर पे आता है मोवेंटो एनर्जी इंसेक्टिसाइड। ये एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है इसका। बात करते हैं इसके टेक्निकल फॉर्मुलेशन की, तो इसमें स्पाइरो टेट्रामेंट 15.31% WWOD फॉर्मुलेशन में आता है। बात करते हैं ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये मुख्य रूप से दो कीटों को कंट्रोल करता है, लाल मकड़ी और सफेद मक्खियाँ, इनका कंट्रोल करता है। बहुत ही तगड़े रिजल्ट है इसका और ये एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कीटों को मारता है। बात करते हैं इसके डोज की, तो आपको इसका 200 लीटर में 200 ml इसका डोज रखना है, 200 लीटर वाटर में 200 ml इसका डोज रखना है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये समथिंग आपको 500 ml का पैक 2000 रुपये के समथिंग पड़ेगा। और बात करते हैं कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग आप सभी फसलों में कर सकते हैं, जितने भी फसल है, सब्जी वर्गीय हो, बागवानी वर्गीय हो, आलू, प्याज, मटर, अनार, गोभी, जितने भी टाइप के फसल हैं उन सभी में आपको इसको उपयोग कर सकते हैं। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है डेसी 100। ये एक बायर कंपनी का प्रोडक्ट आता है, इसका बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है इंसेक्टिसाइड में। बात करते हैं इसके टेक्निकल फार्मुलेशन की, तो इसमें टेक्निकल फार्मुलेशन डेल्टा माइथ्रीन 2.8% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, इसका बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, बहुत सारे कीटों को ये कंट्रोल करता है। तो बात करते हैं ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, ये फल सेदक, लीफ माइनर, थ्रिप्स, पत्ता मरोड़
और सफ़ेद मक्खी, इन सभी का मुख्य रूप से इन कीटों को कंट्रोल करता है और इसके संपर्क में बहुत सारे कीटों को भी कंट्रोल करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4-5 कीटों को ही कंट्रोल करता है। बात करते हैं इसके डोज की, तो इसका डोज आपको रखना है 200 लीटर वाटर में 100 ml और बात करते हैं ये कौन कौन से फसलों में इसका उपयोग कर सकते हो। आप इसका उपयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, जितने भी टाइप की फसलें हैं, बागवानी हो, सब्जी वर्गीय हो, सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस आपको समथिंग 100 ml का 250 रुपये के समथिंग पड़ेगा। इतना महंगा भी नहीं है ये प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको पता चलेगा। वीडियो के लास्ट में एक आपको बहुत ही तगड़ा इंसेक्टिसाइड बताऊंगा जो आप सभी का बाप है। लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है पुलिस इंसेक्टिसाइड, ये गर्डा केमिकल लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैं अभी इसी के बारे में बताऊंगा। इसमें टेक्निकल फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा क्लोरोपाइड 40%, ये सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। इसमें दो टेक्निकल होने के कारण इसका बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके डोज की, तो आपको इसका डोज रखना है 200 लीटर वाटर में 100 ग्राम, ये एक इसका फाइनल डोज है। और बात करते हैं ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, ये एफिड्स, दीमक, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, फलसेदक और चूसने वाले कीट, इन सभी का कीटों का खात्मा करता है। बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है इसका। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये आपको 100 ग्राम का पैकेट समथिंग 1200 रुपये के समथिंग मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा।